आज मैं कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कटहल ले ली हूँ, इसे कट करके अच्छे से धो करके ले ली हूँ। तो कटहल धो करके हमें ले लेना है। अब इसमें मसाले डाल देंगे, तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, एक चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और एक चम्मच मिर्च पाउडर डाल देना है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैं डाली हूँ। आधी छोटी चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देना है। अब इन सारी मसाला हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कटहल में। देखिए मसाला अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। अब इसमें एक चम्मच हम सरसों की तेल डाल देंगे, सिर्फ एक चम्मच डालना है, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाल देंगे। अब फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ढक करके साइड में रख देंगे अभी। अब गैस पे एक कुकर ले ली हूँ, मैं कुकर में बनाऊंगी, आप लोग चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब इसमें हम सरसों की तेल डाल देंगे, तो दो बड़े चम्मच हमें इसमें सरसों की तेल डाल देना है। सरसों तेल में बहुत अच्छी ये कटहल की सब्जी बनके तैयार होती है। अगर आप लोग नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। अब तेल हमें गरम कर लेना है, तो तेल गरम हो चुकी है। इसमें एक चम्मच हम जीरा डाल देंगे, एक बड़ी इलायची डाल देना है, एक छोटी इलायची डाल देंगे, दो लौंग डाल देना है। अब दालचीनी के टुकड़ा एक इंच लेके दो टुकड़े करके दालचीनी डाल देंगे, छह से सात काली मिर्च डाल देना है। अब दो तेजपत्ता तोड़ करके डाल देंगे। जीरा पक चुकी है, अब इसमें हरी मिर्च काट करके डाल देंगे चार, और लहसुन दस लगभग काट करके डाल देना है। कली दस कली में ले ली थी, उसे काट ली हूँ बारीक बारीक, तो डाल देना है। इसे थोड़ी सी हम भून लेंगे। तो लहसुन हरी मिर्च भून चुकी है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो मैं चार बड़े साइज के प्याज काट करके ले ली हूँ, तो प्याज इसमें डाल देंगे और इसे भून लेना है प्याज को। तो देखिए प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, तो इतना हमें प्याज पहले भून लेना है। अब इसमें हम अदरक काट करके डाल देंगे। अब इसे दो मिनट भून लेना है, और बीच बीच में चलाते हुए धीमी आंच पे। दो मिनट भून ली हूँ। अब इसमें दो टमाटर पीस करके ले ली हूँ, तो टमाटर पीस करके इसमें डाल देना है। टमाटर के साथ हमें प्याज को भून लेना है बीच बीच में चलाते हुए। देखिए टमाटर प्याज अच्छे से भून चुकी है, तेल छोड़ दिया है टमाटर प्याज अच्छे से भूनने के बाद। अब हम इसमें कटहल जो मिक्स करके रखी थी, तो सारी कटहल इसमें डाल देना है। अब इसे बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक कि तेल ना छोड़ दे। तो हमें सारी मसाला और प्याज टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देना है। अब बीच बीच में चलाते हुए इसे भूनना है धीमी आंच पे। गैस की फ्लेम हम धीमी ही रखेंगे। और इसे ढक्कन से ढक देना है, तो बीच बीच में हम ढक्कन हटा के चलाते रहेंगे सब्जी। तो देखिए मसाला तेल छोड़ने लगा है, तो इतना हमें इसे अच्छे से भून लेना है। इसे भूनने में मुझे 10 मिनट लगी है, तो इसे धीमी आंच पे मैं बीच बीच में चलाते हुए भून ली हूँ अच्छे से। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद अनुसार नमक डालना है। तो एक चम्मच मैं नमक ले ली हूँ। अगर हम नमक पहले डाल देते तो सारी कटहल टूट जाती, इसलिए मैं सबसे बाद में नमक डाली हूँ।
अब मिक्स कर देना है एक बार सब्जी में अच्छे से। अब हम नमक डालने के बाद एक मिनट और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे, पका लेना है हमें। एक मिनट में और पका ली हूँ इसे बीच बीच में चलाते हुए। अगर आप लोग ग्रेवी वाला नहीं खाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप लोग खा सकते हैं बिना ग्रेवी के भी, धीमी आंच पे एक सीटी लगा लीजिएगा तो बस ये सब्जी बन के तैयार हो जाएगी। मैं थोड़ी सी पानी डाल दूँगी इसमें, ग्रेवी वाली बना लूँगी। तो एक कटोरी में इसमें पानी डाल दी हूँ जिसमें कटहर मिलाई थी, ताकि सारी मसाला उसमें मिक्स करके और डाल दी हूँ पानी। एक कटोरी और पानी डाल देंगे, तो दो कटोरी में पानी डाल दी हूँ। अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें और कुछ नहीं डालना है। अब ढक्कन लगा के हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे, सिर्फ हमें एक सीटी लगाना है। तो एक सीटी लग चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें से भाप नहीं निकालना है, कुकर खुद ही ठंडा होने देना है। कुकर ठंडी हो गई है और देखिए गैस निकल चुकी है। ढक्कन खोल करके हम देख लेते हैं सब्जी, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। तो हमारी कटहल की सब्जी बन के तैयार हो गई। तो एक बार आप लोग मेरे तरीका से ज़रूर बनाइएगा, तो बाकी सारी तरीका आप लोग भूल जाएंगे। इतनी अच्छी ये कटहल की सब्जी बन के तैयार हुई है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अपना रिस्पांस आप लोग ज़रूर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कितनी अच्छी है कटहल की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है।